गाइस, दिस इज मेहुल पटेल एंड वेलकम टू अनदर टेक्नो। सो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट Redmi Note 11 Pro 5G। तो गाइस, आज हम जानेंगे Redmi Note 11 Pro 5G के कुछ अननोन फैक्टर के बारे में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रिव्यू। तो सबसे पहले अगर क्विक रिव्यू में बात करें तो यहाँ पे आपको 120 वाट का हाइपर चार्जर मिलता है, 108 मेगापिक्सल का प्रो ग्रैंड मेन कैमरा मिलता है, ड्यूअल स्पीकर साउंड बाय JBL का मिलता है, लॉन्ग लेंथ बैटरी आपको 45 mAh की यहाँ पे आपको बैटरी मिलता है, 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस का AMOLED डॉट डिस्प्ले मिलता है एंड MediaTek Dimensity 920 विद 5G का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। एंड देन बात करें अगर चैलेंज स्ट्राइकर यानी कि बैटरी और चार्जर की, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 45 mAh की यहाँ पे बैटरी देखने को मिलता है और 120 वोट का हाइपर चार्ज यहाँ पे आपको मिल जाता है देखने को। और अगर चार्जिंग कैपेसिटी की बात करें यहाँ पे 15 मिनट में 100% का कैपेसिटी रखता है। और अगर बात करें अगर कुछ डिटेल तो 26 आवर तक आप कॉलिंग पे बात कर सकते हो, 18 घंटे तक आप वीडियो देख सकते हो एंड 140 आवर तक आप नॉन स्टॉप म्यूजिक सुन सकते हो। और बैटरी स्ट्रक्चर की बात करें तो MTW टेक्नोलॉजी वाला यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल जाता है, ड्यूअल चार्जर पंप मिल जाता है और ड्यूअल सेल बैटरी का यहाँ पे आपको रिड्यूस ओवरहीटिंग का आपको प्रोटेक्शन सिस्टम मिल जाता है देखने को। और मोबाइल को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए यहाँ पे आपको लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी का कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। एंड देन अगर बात करें सेफ्टी और सिक्योरिटी की तो यहाँ पे UV रेन हेल्थ सेफ फास्ट चार्जिंग सिस्टम के यहाँ पे सर्टिफाइड मिला हुआ है और 40 चार्जिंग एंड बैटरी सेफ्टी फीचर्स भी यहाँ पे इंक्लूडिंग किया हुआ है। और अगर बात करें बैटरी लाइफ की तो यहाँ पे 800 चार्ज साइकिल आप यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड देन बात करें अगर डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है AMOLED डिस्प्ले। और अगर डिस्प्ले की हम डिटेल में बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले वाइब्रेट कलर की बात करें तो यहाँ पे DCI-P3 कलर गेमट मिल जाता है देखने को। और ब्राइट लाइटिंग की बात करें तो 1200 निट्स का यहाँ पे आपको ब्राइट लाइटिंग देखने को मिल जाती है, 360 लाइटर सेंसर यहाँ पे देखने मिल जाता है, रीडिंग मोड देखने को मिल जाता है, आई प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, 45 लैक्स जेम 1 का ग्रेट कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। एंड देन बात करें अगर रिफ्रेश रेट की तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। एंड देन अगर बात करें टच सैंपलिंग रेट की तो यहाँ पे 360 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको टच सैंपलिंग रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। एंड देन बात करें अगर ऑडियो एक्सपीरियंस की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है JBL का साउंड सिस्टम, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर एंड डॉल्बी एटमॉस का साउंड प्रोडक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हाई रेजोल्यूशन वाला ऑडियो आपको वायरलेस एंड वायर्ड में आपको सुनने को मिल जाता है। एंड देन अगर बात करें कैमरा की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। उसके साथ अगर उसके फीचर्स की बात करते हैं, सुपर पिक्सल 9:1 का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, स्लो लो लाइट कंडीशन सेंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ड्यूअल नेटिव ISO सर्टिफाइड आपको यहाँ पे ड्राइवर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे कैमरा की कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एंड देन अगर बात करें फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है और उसके साथ 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा भी देखने को मिल जाता है। एंड देन अगर बात करें डिजाइन में तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 3 कलर, जैसे कि सबसे पहला है स्टार ब्लू एंड देन सेकंड कलर है ग्राफिक ग्रे एंड थर्ड वन है स्काई ब्लू। तो ये 3 कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड देन अगर बात करें उसकी वेट और थिकनेस की तो यहाँ पे 204 ग्राम का 204 ग्राम का वेट है। और अगर बात करें थिकनेस की तो यहाँ पे 8.3.4 mm का थिकनेस है। एंड देन अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 920 MediaTek Dimensity का यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एंड देन बात करें अगर कुछ स्पेशल फीचर्स की तो यहाँ पे वाईफाई 6 मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.2 का मिल जाता है, मल्टीफंक्शनल NFC देखने को मिल जाता है, एक्स एक्सिस लाइनर मोटर देखने को मिल जाती है, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाती है और 3.5 mm हेड चेक भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये तो था मेरा रिव्यू, आपका और मेरा रिव्यू अलग भी हो सकता है, आपका और मेरा देखने का नजरिया भी अलग हो सकता है। दोस्तों ये तो था मेरा रिव्यू, मैं यहाँ पे वीडियो खत्म करना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आपको इनमें से कौन सी चीज अच्छी लगी हो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप ये मोबाइल लेना चाहो तो इस वजह से लेना चाहोगे वो भी आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं, तो मिलते हैं हमारे अनदर टेक्नो में।